भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिसस के चेयरमैन एवं मॉरिसस के पूर्व उप प्रधानमंत्री हरीश बुद्धू की पत्नी डॉक्टर सरिता बुद्धू जी ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया तथा प्रसाद ग्रहण किया। इसके पूर्व गोरखनाथ मंदिर में मंदिर के द्वारिका तिवारी वीरेंद्र सिंह, योगी सोमनाथ, विनय गौतम, दिव्य कुमार सिंह ने स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सरिता बुद्धू ने कहा कि जब भी गोरखपुर आने का अवसर मिला है तब वह गोरखनाथ मंदिर आती हैं। गोरखनाथ जी का दर्शन कर उन्हें बहुत ऊर्जा मिली है, उन्हें आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2017 में योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मॉरिसस में हुआ था तो उन्हें ही स्वागत की जिम्मेदारी मिली थी और उसे बखूबी निभाया था। योगी जी ने उन्हें भोजपुरी साहित्य भी उपलब्ध कराया था। उन्होंने मंदिर कार्यालय के प्रति धन्यवाद दिया। मैं डॉक्टर मिसेस सरिता बुजुर्ग, चेयरपर्सन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज मॉरिशस के, मैं यहाँ पर गोरखपुर आई हुई हूँ। मैं जब जब आती हूँ गोरखपुर तो मुझे गोरखनाथ जी के मंदिर आना बहुत ही अवश्य है। होटल से मैं बैठी हुई थी, वहाँ रात को आई, रात को मुझे रात भर यहाँ का वाइब्रेशंस मिला। और फिर जब राकेश जी ने मेरा विजिट यहाँ पर तैयार किया, आते ही मुझे वैसा वो वाइब्रेशंस मुझे मिले चारों तरफ। और यहाँ खासकर योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ तो वो मैं उस ऊर्जा से भरी हुई हूँ। और सोमनाथ जी, योगी जी, आप लोग सब मेरे बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया यहाँ। योगी जी मॉरिशस आए हुए थे 2017 में, वो 2 नवंबर का जो हमारे पूर्वजों का आगमन दिन है उसमें वो मुख्य अतिथि थे मॉरिशस सरकार के। श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी ने उनको, उनके पिताजी सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने स्वागत किया था। और उनके लिए मुझे कहा गया था मंत्रालय से कि एक भव्य भोजपुरी में कार्यक्रम उनके लिए मैं तैयार करूं और भोजपुरी गांव उनको दिखाएं। तो वो सब हो गया था, वो बहुत प्रसन्न हुए थे और मेरे लिए अनेक भोजपुरी पुस्तकें लाए थे और उनसे बातचीत भी हुई थी। तो यहाँ आकर के मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है।